हेलो फ्रेंड्स, आज मंडे है और आज धनतेरस है। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और आज मुझे मालूम नहीं था धनतेरस है, लेकिन जब व्हाट्सएप देखा तो व्हाट्सएप में इतना सारा मैसेजेस देख आया, फिर मुझे पता चला आज धनतेरस है। और पता नहीं मैं ये ठीक से प्रोनाउंस कर रहा, वो भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आप लोगों से थोड़ी बहुत लोगों को मालूम होगा मैं केरल से हूँ और केरल में धनतेरस नहीं मनाते हैं। अभी का नहीं मालूम मुझे, लेकिन पहले नहीं मनाते थे। और मैं मुझे कैसे पता चला, मैं शादी कराई तो मेरे ससुराल में मनाते हैं, क्योंकि संतोष बोर्न बॉटअप सब राजस्थान में हुआ तो वो मनाते हैं। मैं भी अभी ये फॉलो कर रही हूँ, लेकिन संतोष के घर पे भी मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड के घर पे कैसे मनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। मेरी फ्रेंड के घर में देवी पूजा, देवी का कुछ पूजा करती है, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है। डेली का जैसा कैसे पूजा करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन आज के दिन कुछ नया चीज़ कुछ खरीदते हैं, फिर कुछ मिठाई वो सब भगवान के सामने रखते हैं, फिर नॉर्मल कैसे डेली पूजा करते हैं वैसा है। हाँ, आप लोग देख रहे हैं आज मंडे है, लेकिन फिर भी खुशी घर पे है। उसके पहले मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं हमेशा मंडे और फ्राइडे वीडियो डालते हैं, लेकिन इस बार मैं मंडे नहीं डाल पाई, क्योंकि क्योंकि हेलोवीन पार्टी के बाद फ्राइडे को उसको सडनली उसको टीथ में पेन हो गया, और मतलब इधर इतना सा जैसा मतलब इन्फेक्शन हो गया उसको। और फिर सैटरडे उसको डेंटिस्ट के पास लेके गया तो डेंटिस्ट ने बोला इसका गम में अच्छे से इन्फेक्शन हो गया, इसका एक टीथ है वो निकालना है। हाँ, फिर उसको एंटीबायोटिक्स दिया है अभी। हाँ, उसके बाद और उसको फीवर आ गया, उसके बाद उसको फीवर आ गया, लेकिन अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं है वो ऐसे बोल रही है। और उसके बाद ये एंटीबायोटिक्स खाने के बाद पता नहीं उसको कुछ खाना नहीं। और कल इसका फिर से अपॉइंटमेंट मिला है और फिर इसका टीथ निकाल रहे हैं कल, इसलिए कल भी वो स्कूल नहीं जा पाएंगी। आज वो जा सकती थी, लेकिन उसका क्या है, एंटीबायोटिक्स खाने के बाद उसको अच्छे से नितिन टाइम देना है। और उसके बाद हाँ, और धनतेरस के बारे में, हाँ क्या बोल रहे थे धनतेरस के बारे में, हाँ फिर वही है हमारा। फिर केरल में दिवाली, अभी मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों के घर में देखा दिवाली बहुत साफ सफाई, बहुत दिन से साफ सफाई वो सब करते हैं। फिर 3 दिन कंटिन्यूसली दिवाली का फेस्टिवल रहता है, छोटी दिवाली ऐसा कर कर 3 दिन धनतेरस से शुरू होता है, लेकिन हमारा केरल में ऐसा नहीं। दिवाली के दिन भी नहीं, उसके पहले दिन हम लोग दीप जलाते हैं, पटाखे शाम को पटाखे फोड़ते हैं, उतना ही है। और पूजा कुछ स्पेशल ऐसा मैंने नहीं देखा है। फिर दीपावली के उसी दिन सुबह हम लोग मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करते हैं, उतना है। फिर सुबह उठकर वो मैं दिवाली के दिन ब्लॉग बनाते हैं ना, उसी में मैं एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन धनतेरस हम लोग, पता नहीं मैं करेक्ट वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो भी मुझे मालूम नहीं, हम लोग नहीं मनाते थे। और लेकिन अभी मैं मुझसे जितना होता है वैसे मैं फॉलो करती हूँ। मैं अभी क्या करूँ, अभी मैं कुछ स्वीट भगवान को शाम को रखने के लिए, प्रसाद रखने के लिए कुछ स्वीट बना दूंगी। सोच रहे जैंगरी बनाने के लिए, जैंगरी मतलब जलेबी जैसा दिखते है, जलेबी जैसा दिखते है, लेकिन वो उड़द दाल से बनाती है और जल्दी हाफ एन आवर मैक्सिमम लगता है, जल्दी बन जाते हैं। और फिर उसके बाद मेरे बेटा स्कूल से आने के बाद मैं शायद कुछ लेने के लिए जाऊंगी, शायद नहीं मैं जाऊंगी, कुछ लेकर आएंगे। मैक्सिमम एक छोटा सा बाउल ऐसा ही कुछ लूँगी और भगवान के उसी में मैं भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दूँगी, भगवान को प्रसाद रखूँगी। जैंगरी बनाने के लिए मैंने इधर 1 कप उड़द दाल लिया है, मैंने 2 घंटा पहले सोख कर रखा था।
और थोड़ा सा मैंने सैफ्रन लिया है, दूध में सैफ्रन डाल के रखा है, क्योंकि मैं इसमें कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर कलर कलर यूज़ करना है तो ऑरेंज कलर या येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर सैफ्रन यूज़ किया है। फिर 1 स्पून राइस पाउडर लिया है, थोड़ा सा लेमन और रोज़ वाटर लिया है। अगर रोज़ वाटर नहीं है तो कार्डम भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इधर अभी शुगर सिरप बनाने जा रही हूँ। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने इधर 1 कप शुगर लिया है और 1/2 कप वाटर लिया है। शुगर सिरप रेडी हो रहा है, तब तक मैं ये इसका जागरी का बैटर रेडी कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी, मतलब एक अभी 1 कप उड़दा लिया तो 1/2 कप से कम अगर पानी थोड़ा सा डालकर पीस लिया तो उतना अच्छा जागरी आ जाएंगे, बना सकते हैं। मैंने इधर 1/2 कप पानी लिया है। ये बैटर रेडी हो गया। अब मैं इसमें 1 स्पून राइस पाउडर डाल रही हूँ और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। मतलब जब मिक्स किया तो एक फ्लफीनेस आना चाहिए, वही है, वो फ्लफीनेस है उसका करेक्ट, जब वो तैयार हो गया उसी से पता चलता है। अभी ये बैटर देखो एकदम अच्छा परफेक्ट है। अभी इसका करेक्ट कंसिस्टेंसी जब उड़द दाल वड़ा बनाते हैं ना वैसे ही है। अगर और बोल दिया तो कैसा है, जब थोड़ा पानी ले लो उसके अंदर ये थोड़ा सा एक बूंद डाल दो, जब ऊपर वो फ्लोट किया तो वो करेक्ट, मतलब अच्छा बैटर है ये। अभी मैं इसमें 1 स्पून राइस फ्लोर भी डालकर अच्छे से मिक्स किया है और अभी मैं इसमें डाल दूंगी सैफ्रन डाल दूंगी। अभी चेक करते हैं, मेरा शुगर पानी भी इधर शायद रेडी हो गया, चेक कर लेती हूँ। ये शुगर सिरप भी इधर हो गया, ऐसा एक लाइन आ रहा है। अभी ये भी हो गया। मैं ये अगर ठंडा हो गया तो इसमें क्रिस्टल आ जाएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा नींबू ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा रोस्ट वाटर भी ऐड कर रही हूँ। सैफ्रन ऐड कर रही हूँ। मैंने अभी इधर ऑयल गर्म होने के लिए रखा है और मैंने ये ऐसा पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मेरे पास एक हनी का बोतल था, उसमें मैंने बैटर फिल कर दिया और पता नहीं इसे ठीक से आएगा या नहीं, क्योंकि इसका होल थोड़ा बड़ा है और पता नहीं तो इसे ठीक से नहीं होया तो मैं अभी शॉप जा रहे तो उधर से कुछ बैग या ऐसे कुछ केचप का बोतल कुछ लेकर आ जाएंगे अगर उधर मिल गया तो, नहीं तो फिर इससे ही काम चलाना पड़ेगा, पूरा शेप नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। मैं इसके अभी पहली बार ट्राई कर तो कुछ ट्राई किया तभी तो पता चलेगा, है ना। अभी हनी का बोतल मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी जैगरी तो रेडी हो गया। पता नहीं इस किचन में इतना लाइटिंग अच्छा नहीं है। देखो रेडी हो गया, अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ शॉपिंग के लिए, धनतेरस के लिए शॉपिंग के लिए अभी। लेकिन देखो अंधेरा हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 5 बजे होने वाला है, लेकिन अच्छे से अंधेरा हो गया है। हम लोग अभी जाकर जल्दी जाकर आती हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं है, पास वाला शॉप में ही जा रही हूँ। ये मैं कवर thank you.
हम लोग अभी शॉपिंग कर वापस आ गए, अभी नहीं थोड़ी देर हो गया, मैं आकर पूजा किया, खाना बना दिया और शॉपिंग, मतलब हम लोग जल्दी वापस आ गया। एस्डा गया था, पहले सोचा सेंसबरी जाऊँ क्योंकि मार्केट जाना है तो खुशी को लेके, मैंने सोचा नहीं अभी वो अभी ठीक हो गई, उसको जाकर मार्केट गया तो अच्छा नहीं है, ठंड फिर से ठंड लग जाएगा। और अभी एस्डा गया तो उधर कुछ भी नहीं था, फिर आज कुछ लेना है तो फिर मैंने एक बाउल लिया था, वो मैंने अभी जागरी लाइट का उधर पूजा के लिए रखा है, फिर थोड़ा कैंडल्स लिया है, फिर एक गार्लिक प्रेस लिया है, ये मुझे बहुत ज़रूरी था वो मैंने लिया है, फिर मेरे पास एक था वो टूट गया था, फिर लाइट्स लिया है वो मैंने उधर लगा कर रखा है, फिर आज क्या होगा, फिर थोड़ी देर वेजिटेबल्स वो सब लिया है। फिर आज क्या हम लोग आ गया तो मेरा डस्टबिन के उधर, क्योंकि मैं अगर घर पे नहीं है तो अमेज़न से कुछ कुरियर आ गया तो नहीं तो पड़ोस वाले को देते हैं, नहीं तो डस्टबिन के उधर रख कर जाते हैं वो लोग। अभी देखा रहे तो दो कुर्ती, मतलब तो देखो ऐसा एक मैंने ओपन सही, मतलब गलती से ये मुझे लगता है संतोष ने ऑर्डर किया है, अभी आकर पूछना पड़ेगा, मतलब शायद उसने गलती से दो लगा दिया होगा, एक ही टाइप का दो आ गया, और देखो सेम दो इयर रिंग्स भी, मतलब एक के साथ ये आया है एक दूसरे के साथ ये आया है। अभी ये मतलब ये रिटर्न में दूंगी, ये अभी मैं ओपन करके आप लोगों को नहीं दिखा रहे, मैं एक अभी एक और दिन मैं ये पहन कर फिर आपके आपको दिखा दूंगी। संतोष आने वाला है वो ओ हाँ, उसका फिर से उसका देखो उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं। अभी संतोष आ गया और जिम चले गया और उसने ये खा लिया, उसका बहुत ही पसंद आ गया। ये देखो यही बाउल मैंने लिया था और ये जागरी है ना, आप लोग एक बार पक्का ये ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि इसका टेस्ट एकदम जलेबी जैसा ही है, कोई फर्क थोड़ा सा पता नहीं, मुझे फर्क नहीं लगा है ना, इसको नहीं देना है लेकिन उसको वही चाहिए, नहीं खाना है वही उसको खाना है। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, देखो बहुत ही टेस्टी है, बहुत यम्मी है सच में, आप लोग भी एक बार ये पक्का ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी है। और इसमें मैंने कलर कुछ ऐड नहीं किया, अगर आप लोगों को इसमें कलर कुछ चाहिए तो ऐड करना, तब शायद दिखने में भी और अच्छा हो जाएगा। और ठीक है, अभी बच्चे लोग को मैं डिनर देने जा रही हूँ, और आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज़ एक लाइक करना भूलना नहीं, और कमेंट करना भूलना नहीं, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बाय।